जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारा कंटेंट, भाई ढेर सारा कंटेंट ओटीटी पे रिलीज होने जा रहा है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अब आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा सुन लेना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और जो वीडियो में कॉन्टेंट डाल रहा हूँ, इससे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट रिलीज होने जा रहा है, जो मेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट पे आपको थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल पेज पे है, और इसके साथ मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसमें मैं आपकी हमेशा मदद करता रहता हूँ, और मेरे टेलीग्राम का लिंक भी आपको मेरे यूट्यूब के ही चैनल पेज पे मिल जाएगा। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की नेटफ्लिक्स की रिलीजेस की, जहाँ सबसे बड़ा रिलीज होने जा रहा है लियो मूवी का। लियो जो एक इंडियन मल्टीलिंगुअल थ्रिलर क्राइम मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जिसकी लीड में विजय थालापति, संजय दत्त, अर्जुन त्रिशा और गौतम वासुदेव। और दोस्तों इसे डिजिटली प्रीमियर किया जाएगा नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे आज, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम सभी लैंग्वेजेस में एक साथ। और इसका इंतज़ार कल रात 12 बजे ही शुरू हो गया था कि इसे शायद रात को 12 बजे से रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे रिलीज़ किया जाएगा दोस्तों आज, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने कल एक पोस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने लिख दिया था, वेट इज़ ओवर Now Leo will stream in 24 hours, यानी कि उस टाइम से इंडिया में तकरीबन 12:30 बजेंगे दोपहर के, जब इसे रिलीज किया जाएगा। यानी लियो मूवी का अगर आपको इंतजार था तो ये आज आफ्टरनून 12:30 बजे से आपको देखने को मिलेगी, और हिंदी में भी रिलीज होगी। इसी के साथ दोस्तों लास्ट कॉल फॉर इस्तांबुल, ये एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल टर्किश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से आज से रिलीज होने जा रही है हिंदी, इंग्लिश और टर्किश लैंग्वेज में। और इसी के साथ माई डीमन, ये एक अपकमिंग SBS ओरिजिनल 16 एपिसोड साउथ कोरियन रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है, जिसे नेटफ्लिक्स पे कोरियन लैंग्वेजेस में दोस्तों रिलीज किया जाएगा, और इसे आप आज से देख पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अ नियरली नॉर्मल फैमिली के सीजन 1 को आज से इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाएगा, और रिप्लेसिंग शेफ जी को इसके सीजन 1 को भी आज से इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाएगा। लेकिन एक और बढ़िया रिलीज हो चुका है, जो है वुल्फ मूवी का। वुल्फ जो कि 2021 की एक आयरिश पॉलिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, इसे नेटफ्लिक्स पे दोस्तों अब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल नेटफ्लिक्स पे पुली मदा नाम की एक मूवी को रिलीज कर दिया गया है हिंदी में, जो वैसे एक इंडियन मलयालम लैंग्वेज मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जो अब नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब्ड लैंग्वेज में भी स्ट्रीम कर रही है। तो दोस्तों बड़ा रिलीज तो नेटफ्लिक्स पे लियो का ही है, और लियो आज दोपहर 12:30 बजे से आपको देखने को मिलेगी। जो लोग इसका इंतजार कर रहे थे वो लोग अभी थोड़ा सा और वेट करें, आज ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म की, जहां पर एक सरप्राइज बड़ा रिलीज हो चुका है दोस्तों, भगवत केसरी मूवी का। भगवत केसरी जो एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, इसे दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सिर्फ तेलुगु में ही अमेजॉन प्राइम पे रिलीज होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में अब रिलीज कर दिया गया है अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे, और ये एक सरप्राइज रिलीज है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी IMDb रेटिंग 7.3 की है, और भगवंत केसरी मूवी फिलहाल हिंदी लैंग्वेज में अमेजॉन प्राइम यूजर्स के लिए रिलीज हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों द विलेज, ये एक अमेजॉन ओरिजिनल 6 एपिसोड इंडियन तमिल लैंग्वेज हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है, जिसे दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पे कल रात से हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया है, और इसके टोटल 6 एपिसोड हैं। इसी के साथ दोस्तों फुकरे मूवी, जो अभी तक रेंटल पे अवेलेबल थी अमेजॉन प्राइम पे, अब इसे अमेजॉन यूजर्स के लिए एकदम फ्री कर दिया गया है। तो अब आप फुकरे 3 मूवी को दोस्तों बिना किसी रेंटल के अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एल्फ मी, ये एक अपकमिंग अमेजॉन ओरिजिनल इटालियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो Amazon Prime Video के प्लेटफॉर्म पे आज से स्ट्रीम करेगी हिंदी, इंग्लिश और इटालियन, इन 3 लैंग्वेजेस में। और दोस्तों हाई स्कूल, ये 2022 की एक Amazon Freev ओरिजिनल अमेरिकन कमिंग ऑफ एज ड्रामा सीरीज है, जिसे Amazon Prime के प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में आज से रिलीज कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों स्लम गोल्फ का सीजन 1, जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज है, इसे Amazon Mini TV के प्लेटफॉर्म पे आज से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं डिस्नी प्लस हॉटस्टार की, जहां पर बड़ा रिलीज हुआ है द वैक्सीन वॉर मूवी का। द वैक्सीन वॉर मूवी 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज
मेडिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी लीड में है नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी और रायमा सेन अनुपम खेर। और इसे दोस्तों डिजिटल प्रीमियर कर दिया गया है डिस्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पे, और अब ये आपको हिंदी लैंग्वेज में वहां पर रात 12 बजे से स्ट्रीम होती हुई मिल जाएगी। इसी के साथ बात करूँ Z5 के प्लेटफॉर्म की, तो TVF ओरिजिनल द आम आदमी फैमिली के सीजन 4 को अब आप देख सकते हैं Z5 के प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज फैमिली कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। दोस्तों बात करूँ सोनी लिव के प्लेटफॉर्म की, तो काफी सारी रिलीजेज वहां पे हो चुकी हैं। पहला रिलीज है शावर मूवी का, शावर 2023 की एक सोनी लिव एक्सक्लूसिव इंडियन मलयालम पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसे अब सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा सभी लैंग्वेजेस में एक साथ रिलीज कर दिया गया है। और शावर मूवी की IMDb रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ दोस्तों सैटरडे आफ्टरनून, जो कि 2019 की एक बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, ये अब सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में रिलीज हो चुकी है। और ये बॉम्बिंग के ऊपर बेस्ड एक मूवी है जो कि बांग्लादेश के ढाका शहर में हुए थे। इसी के साथ दोस्तों साथिया सोनाथाय, ये एक इंडियन तमिल लैंग्वेज कॉमेडी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसे अब सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया है। तो सोनी लिव ने 3 मूवीज को रिलीज किया है, शावर, सैटरडे आफ्टरनून और साथिया सोतनाए, और तीनों को ही हिंदी लैंग्वेज के साथ रिलीज किया है। दोस्तों आगे बात करते हैं अतरंगी चैनल की, जहां पर जौहरी नाम की एक नई हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, और इसे आप अतरंगी के ऐप पर और इसी के साथ MX प्लेयर के ऐप पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और जौहरी सीरीज रात 12 बजे से स्ट्रीम होनी चालू हो चुकी है। और बात करूं शेमारू मी के प्लेटफॉर्म की, तो वहां पर एक नई हिंदी फिल्म जिसका नाम है मजबूरियां, इसे रिलीज किया गया है। और इसी के साथ एक गुजराती सीरीज तिक्खी मीठी लाइफ, इसे दोस्तों शेमारू मी के प्लेटफॉर्म पे कल रात 12 बजे से रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों बात करूं जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म की, तो हु एम आई, जो कि 2023 की एक पब्लिक मैसेजिंग गिविंग मूवी है, इसे जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसी के साथ समोसा एंड सन्स, जो कि एक मैसेज गिविंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, इसे दोस्तों अब रिलीज कर दिया गया है जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे, और ये दोनों मूवीज 2023 का रिलीज है। दोस्तों बात करें लायंस गेट प्ले के प्लेटफॉर्म की, तो रेट्रीब्यूशन नाम की एक जर्मन स्पेनिश एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म को अब लायंस गेट प्ले के प्लेटफॉर्म पे कल रात 12 बजे से रिलीज कर दिया गया है हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज के साथ साथ। और दोस्तों अगर आप फैन हैं बंगाली कंटेंट के, तो बंगाली में दोस्तों हॉयचॉय के प्लेटफॉर्म पे एक नई सीरीज जिसका नाम है एंतौर महल, इसे रिलीज कर दिया गया है कल रात 12 बजे से। दोस्तों आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पे डीमन नाम की एक तमिल एक्शन थ्रिलर मूवी को अब रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इसे हिंदी में नहीं, इसे सिर्फ तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। दोस्तों बात करें बुक माई शो के प्लेटफॉर्म की, तो UFO स्वीडन, जो कि 2022 की एक स्वीडिश साइफा एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, इसे अब बुक माई शो के VOD कॉन्टेंट पे हिंदी डब लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों बात करें 25 नवंबर की रिलीजेस की, तो 2 बड़े रिलीज आपको देखने को मिलेंगे। पहला है ग्रैंड टूरिज्मो मूवी का, जो कि अभी तक सिनेमाज और VOD पे अवेलेबल हुई थी, अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने जा रही है 25 नवंबर से। और इसी के साथ एक गुजराती मूवी अपना OTT प्रीमियर करेगी जिसका नाम है सैयार मुरी रे, और इसे जोजो की ऐप पे दोस्तों गुजराती लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों फुल मून नाम की एक पंजाबी सीरीज को चौपाल TV के प्लेटफॉर्म पे 27 नवंबर से रिलीज किया जाएगा। और इसी के साथ एक सुपर हिट मच लव्ड मूवी चिट्ठा, इसको डिजिटली प्रीमियर किया जाएगा दोनों 60 प्लस हॉटस्टार के चैनल पे, और इसे आप 28 नवंबर से देख पाएंगे। और फिलहाल दोस्तों इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में दोस्तों एक साथ चिट्ठा मूवी को रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों ये कंटेंट तो OTT पे रिलीज हो रहा है, सिनेमा रिलीज भी काफी सारी हो रही है। तो बात कर लेते हैं बड़ी सिनेमा रिलीजेस की, तो नेपोलियन, ये एक अपकमिंग एप्पल ओरिजिनल एपिक बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो थिएटर्स में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में 24 नवंबर से रिलीज हो जाएगी। इसी के साथ फर्रे नाम की एक इंडियन कॉमेडी ड्रामा मूवी भी हिंदी में आपको देखने को मिलेगी। स्टारफिश, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा साईफाई मूवी है, इसे भी दोस्तों हिंदी में रिलीज किया जाएगा सिनेमाज में। वहीं मनुष्य चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ये मूवी भी हिंदी में सिनेमाज में रिलीज हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों ध्रुव नक्षत्रम, इस मूवी को दोस्तों रिलीज किया जाएगा, इसके चैप्टर 1 को तमिल लैंग्वेज में सिनेमाज में ये रिलीज हो जाएगी। वहीं आदि केशवा, ये एक तेलुगु मूवी है जो सिनेमाज में रिलीज होगी। बैड मैनर्स, ये एक कन्नड़ा मूवी है जो सिनेमाज में रिलीज होगी। अदृश्य जलकांगल, ये मलयालम में रिलीज होगी। परिंदा पार गया, ये मूवी पंजाबी में रिलीज होगी। छीमा 2 मूवी मराठी में रिलीज होगी। और एक तो सोरे बोशून, इस मूवी को बंगाली में सिनेमाज में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने वो कंटेंट है जो मैंने कवर कर दिया वीडियो में। इसके अलावा लिस्ट में और भी कुछ कंटेंट है
जो आपको देखने को मिलेगा अब मेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट पे। तो अगर मेरे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो मेरे को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी, और इंस्टाग्राम पर जाकर अब थोड़ी देर में उस पोस्ट को देख लेना और सेव कर लेना ताकि आगे भी आपकी हेल्प हो जाए। तो ये था मेरा एक क्विक वीडियो इस वीक की रिलीज का। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।